एक शख्स उमेर या बिलाल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ़्त किया आपने फ़रमाया उसकी बंधन पहचान ले या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली को पहचान ले फिर एक साल तक उसकी शनाख्त का ऐलान कराओ फिर उसका मालिक ना मिले तो उससे फ़ायदा उठाओ और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो उसने पूछा कि अच्छा गुमशुदा ऊंट के बारे में क्या हुक्म है आपको इस कदर गु़स्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए या रावी ने यह कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे ऊंट से क्या वास्ता उसके साथ खुद उसकी मश्क है और उसके पाँव के सम हैं वो खुद पानी पर पहुँचेगा और ख़ुद पी लेगा और ख़ुद दरख्त पर चरेगा लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए उसने कहा क्या अच्छा गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है आपने फरमाया वो तेरी है या तेरे भाई की वरना भेड़िए की गज़ा है सही बुखारी हदीस नंबर इक्यानवे रसूल ल्लाह अलैहि वसल्लम से कुछ बातें दरियाफ़्त की गईं कि आपको बुरा मालूम हुआ और जब इस कस्म के सवाल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गु़स्सा आ गया फिर आपने लोगों से फ़रमाया अच्छा अब मुझसे जो चाहो पूछो तो एक शख्स ने दरिया किया कि मेरा बाप कौन है आपने फरमाया तेरा बाप हुज़ाफा है फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है आपने फ़रमाया कि तेरा बाप सालिम शेबा का आज़ाद करदा गुलाम है आखिर हज़रत उमर रज अल्लाह तुमों ने आपके चेहरे मुबारक का हाल देखा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हों अल्लाह ताला से तोबा करते हैं सही बुखारी हदीस नंबर बानवे एक दिन रसूल अल्लाह सल्ह वसलम घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हुजाफा खड़े होकर पूछने लगे कि हुजूर मेरा बाप कौन है आपने फ़रमाया हुजाफा। फिर आपने बार बार फ़रमाया कि मुझसे पूछो तो हज़रत मरदलों ने दो जानू होकर अर्ज़ किया कि हम अल्लाह के रब होने पर इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं और ये जुमला तीन मरतबा दोहराया फिर ये सुनकर रसूल अलैहि वसल्लम ख़ामोश हो गए सही बुखारी हदीस नंबर तिरानवे नबी अकरम सल्हुह वसल्लम जब सलाम करते तो तीन बार सलाम करते और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे तीन बार दोहराते यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता सही बुखारी हदीस नंबर चौरानवे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल वसल्लम जब कोई कलेमा इरशाद फरमाते तो उसे तीन बार लौटाते यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ़ लाते और उन्हें सलाम करते तो तीन बार सलाम करते सही बुखारी हदीस नंबर पचानवे अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्ला वसलम हमसे पीछे रह गए फिर आप हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज़ का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वज़ू कर रहे थे हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बुलंद आवाज़ से फ़रमाया कि आग के अजाब से इन एड़ियों की जो खुश्क रह जाएँ ख़राबी है ये दो मरतबा फरमाया या तीन मरतबा सही बुखारी हदीस नंबर छियानवे रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन शख़्स हैं जिनके लिए दुगना आजर है एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए दूसरे वो ग़ुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक़ अदा करे और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लोंडी हो जिससे शबाशी करता है और उसको तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे तालीम दे तो उमदा दे फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसके लिए दुगना आजर है सही बुखारी हदीस नंबर सत्तानवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर मर्दों की सफ़ों में से निकले और आपके साथ बिलाल रद्ला तैाल थे आपको ख़याल हुआ औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया तो आपने उन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया ये बात सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रद्ला तैालन हो अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे सही बुखारी हदीस नंबर अट्ठानवे हज़रत अबू हुरा रद्ला तलाने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपकी शिफात से सबसे ज़्यादा शदत किसे मिलेगी तो रसूल सल्ला सल वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरेरा मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा क्योंकि मैंने हदीस के मुतल तुम्हारी हिरस देख ली थी सुनो क़्यामत के दिन सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफात से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला लाला कहेगा सही बुखारी हदीस नंबर निन्यानवे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले बल्कि वो पुख्ताकार पुख्ताकारा को मौत देकर इल्म उठाएगा हती कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे उनसे सवाल किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे इसलिए ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 100